अब कार्यक्रम शुरू युक्ति दिस इज इट। एक ग्लास। आप बहुत बुरे हो, आप सबको तंग करते हो। आप आज दिन है थोड़ा ग्रूमिंग का, तो मैं जा रहा हूँ थोड़े बाल कटाने। मॉनसून में फजी भी जाते हैं और झड़ने का भी टाइम है, तो इट्स बेटर कि करा लो। जॉइनिंग मी मिस युक्ति, कंपनी दे रही है मुझे साथ में, तो चलो देखते हैं कंपनी देखे क्या मिलेगा इसको। ऐसी है मज़ेदार रास्ते गाँवों में चलते हुए, ट्रैफिक ट्रूफिक नहीं, खेत खेत के बीच में चलते रहो नीचे पहुँचने के लिए। नहीं पहुंचेगा, देख रहे हैं हाथ वाथ क्या दे रही है, कुछ है भी साथ में खाने को कि नहीं। आ गए हम हेयर सलून, लेकिन ये साथ में कहाँ कहाँ घुसते जा रही है हमारे साथ। भाई हो गई मेरी तैयारी, अपना तो हो गया हेयर स्टाइल, लेकिन अब असली खेल तो मैडम जी के साथ। सो युक्ति अब बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे गंजा होना है। क्या होना है? गंजा। वाह आखिरी बार जरा इनको अब कार्यक्रम शुरू युक्ति दिस इज इट। मैंने अपने सारी सिस्टर्स को तो ऑलरेडी बता दिया है कि देखो बॉयज एंड गर्ल्स बी रेडी एट राखी, यू कैन सी ठंडा लगेगा क्या? शैम्पू लग रहा है और क्या? अब लगा ठंडा, कितना सही लग रहा है ये। इस फीलिंग के लिए तो कराया है ना, इतना मजा आएगा जब बारिश पड़ेगी सिर पे। Wow, this feels so nice. This is exactly what I wanted when I used to scratch my hair. Fine, लग गया देख। अच्छा अच्छा। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ तो ऐसा असर भी हो जाएगा, अभी बस पढ़ने से क्या सो गए हैं। ये क्या शाइन मार रहा है देखो बड़ा। अब ट्रीटमेंट शुरू। ये चंपी जी। ये देखिए चमकदार जायकेदार। ये है आपका अस्त्र और शस्त्र। yes. कुछ महीनों के लिए। अर्जुन इसको पहन के कवच अपना युद्ध पे निकलो। अबे वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ। हाँ हाँ सही है, अब इस दुनिया में चलो एक नए अवतार के साथ। धन्यवाद जी। ये तो कैसा लग रहा है? Amazing, हल्का। आरामदायक। Yes. वेट सारा उतर गया। Yeah. बोझ सारा निकल गया। Yeah. बट क्या ये बोझ एक्चुअल मटेरियल बोझ था या फिर एक कुछ मेटाफोरिकल बोझ के बारे में बात कर रहे हो? वो भी था, अपन मेरा वो हेयर प्रॉब्लम है, आई कैन सॉल्व फॉर इट। हां आई थिंक। मुबारक। Yeah. लेकिन यस इट्स डन, जो आप चाह रहे थे इट्स डन। शी कैन फील द विंड। वाह लेकिन आपको पता है ना गांव से बचने के लिए कवच पहना दिया क्योंकि अभी भी थोड़ा उतना मॉडर्न नहीं है, यहाँ पे करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत एडजस्ट। बोल लो चाहे घुलना मिलना बोल लो, बट रिस्पेक्ट बोल लो चाहे। आंटी आ रही, आ रहे हैं। आपको तो पता ही है क्या करते हैं टकलों के साथ। और अपना ये छोटा सा कार्यक्रम अभी के लिए पूरा। मेरा हो गया हेयर कट और इसका तो हो गया है हेयर डिमोलिश, हेयर एनहाइलेशन जो भी बोलो। लेकिन ये वॉक्स बहुत ही प्यारी लगती है हमें यहाँ पहाड़ में गांव में। फील सो रिफ्रेशिंग, मतलब बिल्डिंग्स की जगह आपके ज़्यादातर पड़ोसी आपके पेड़ हैं आसपास जो उग रहे हो और शांति ही शांति। हम देखते हैं कि क्या जैक कुछ अलग रिएक्ट करेगा इसके बाल देख के। You used to see me,
वाह, एक के बाल ही बाल और एक के एक भी नहीं। और यूं ही एक बार फिर से बस केलोंग की ओर निकल पड़े हैं। जब से टनल बनाया लिटरली केलोंग तो ऐसा हो गया 2 घंटे में आना जाना, मतलब मनाली से काफ़ी सही बना दिया है वहाँ जाने का, वरना उससे पहले अभी सोचते भी नहीं कि ये बहुत रेयर होता है ऐसे जाते। अब लगता है कि बाइक उठाओ 1.5-2 घंटे में पहुँच गए। नदी किनारे में बढ़िया सा नाश्ता, ये लीजिए। ये है सबसे बड़े टेबल, यहाँ लगाओ आप चेयर वेयर। लाहौल स्पीति में बुद्धिज्म काफी प्रोमिनेंट रिलीजन है, इसलिए लगभग हर बड़े गांव या शहर में आपको मॉनेस्ट्रीज दिख जाएंगी। उनमें से ही एक है केलोंग से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर शशुर गोम्पा। ये जो पाइन ट्रीज देख रहे हैं इन्हीं से नाम पड़ा इस मॉनेस्ट्री का, शशुर माने ब्लू पाइन्स। हम पहुंच गए हैं शशुर गोम्पा केलोंग में, यहाँ पे कार्यक्रम है छम। हमारे साथ है एक और मॉन्क। ये मोहित ही रहता है, यहाँ बना रखे हैं इसने दोस्त सारे मॉन्क्स को। चलो ये मॉनेस्ट्री करीब 400 साल पुरानी है और आज खास पूजा हो रही है एक फेस्टिवल के लिए, छम फेस्टिवल। भीड़ होना भी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे छाव में ले के लिए। आपको यहाँ पे उन्होंने कुछ आई कार्ड वाई कार्ड नहीं दिया कुछ एडमिशन? आपको पता होगा कब स्टार्ट होगा करके। ड्रेस भी वैसी मॉन्क टाइप की लग रही है कलर। सबको बट रहा है जूस कोल्ड ड्रिंक, इसको मिला मिला नहीं मैंने ले लिया। द मॉन्क हु ड्रैंक पोमीग्रेनेट, उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल भी। ये 5,000 फाइन है वरना कूड़े पे। गया गुस्से में। लामा जी से बात करके पता चला कि छम एक डांस फेस्टिवल है जिसमें अलग अलग धर्मपाल या देवी देवताओं का मास्क पहनकर एक रिचुअल डांस होता है। यहां छम फेस्टिवल की शुरुआत होती है एक 15 फीट के थंका के साथ जो काफी पुराना और कीमती है, इसलिए साल में एक बार ही लोगों को दिखाया जाता है। कहा जाता है कि तिब्बत में एक राजा था जो बौद्ध धर्म पर अत्याचार करता था, ग्रंथ जला देता था। गुरु पद्म संभवा की मदद से ये मास्क को पहनकर एक तरह की तांत्रिक रिचुअल करके उस राजा को भटका के उसका विनाश किया और पद्म संभवा के ही जन्मदिन पर
बुराई पे अच्छाई के इस जीत को मनाने के लिए ही ये मास्क पहनकर पूजा की जाती है। चूं मतलब क्या होता है? फीमेल मंक। हाँ, तो क्या आप हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्या आप में खूबी है? हाँ। किसने बोला? मैंने बोला। एक जो ये अलग से घूमता है, लोगों को तंग करता है और चंदा कलेक्ट करता है, इन्हें अतुक कहते हैं। बुराई पर अच्छाई का ही फेस्टिवल रामायण की याद दिलाता है। शायद हर धर्म का मेन उद्देश्य यही है, बुराई पर अच्छाई की जीत। यहाँ देखो, वहाँ यहाँ देखो, वहाँ लो गैदरिंग। भाई 2 साल बाद हो रहा है छम, तो क्यों ना आए इतने लोग। एक ग्लास नीचे उतार रखे। हाँ, ठंडा हो जाएगा। पानी चाहिए जी? बिना पानी का? थोड़ा पानी। पानी चलेगा? हाँ जी। पकड़ो पहले, मैं पानी देता हूँ। हेलो जी, झूले जी। बच्चा भी सीख गया झूले बोलना। बच्चा, आप बचपन से देख रहे ना छम, यहाँ पे होते हैं। फिर कितना बदला है तब में और अब में? पक्का, अब तो सन 1950 से लेके देख रहे। अरे बाप रे, जन्म मेरा 1950 है। हाँ, वाह वाह। बस 4-5 साल ऐसे ही रहा होगा। हाँ, उसके बाद अभी देखते रहते, मेला चले रहता। तब से छम में यही चलता है, जैसे आते हैं वैसा ही रखा एकदम ना उन्होंने। आप कहाँ से? मैं वैसे उत्तराखंड से। उत्तराखंड? हाँ, लेकिन रहते मनाली में 6 साल से। मनाली में रहते हैं। कोई जॉब करते हैं? हाँ जी, वीडियो वगैरह बनाते हैं हम ना, तो किलोंग भी आते हैं, सर्दियों में आते हैं। फिर यहाँ पे नाले जमते हैं ना, उनको चढ़ने आते हैं। फिर यहाँ पे स्कीइंग वगैरह भी करने आते हैं। ऐसे चीज मत करो। अरे, गिर गया ना तो अपनी जिंदगी बर्बाद। देख के करते हैं, डरो ऐसा आपका काम है ना, वो करो। सही बात है। वो पहाड़ से छलांग मारना, वो जो बर्फ का आइस के ऊपर जलना। हाँ, वो अच्छा काम नहीं है। सही बात है। कहीं गिर गया, कहीं टांग टूट गया, फिर जिंदगी बर्बाद। वो भी सही बात है। हाँ, फिर बिस्तर में रह लेते सांप सांप की तरह। ऐसे क्या जा रहे हो, आशीर्वाद लेके जाओ? वहाँ जा रहे हैं ना।
खाना देगा वो खाना खा ले, खाना खा लो, सारे वो बैठ गए लोग, हाँ जाओ 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 जाओ। भाई साहब दो ग्लास अरग पी लिए, मैंने तो बड़ों का आशीर्वाद के समय पी लिया कि प्रसाद की तरह दे रहे हैं, लेकिन अब हो गया छम का सीन बढ़िया यहाँ पे। अब यही सब चलेगा, देखो आम दिख गया, अभी आम उठा लिया मैंने खाने के लिए, ज़बरदस्त आम, इस किलोंग की सर्दी में गर्मी का एहसास के लिए गर्म मौसम का आम। तो अगर ये आम उठाना पाप था तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आम बढ़िया भी है यार, मज़ा आ गया आम खा के। ये हमारे सहपाठी जी लाइन में लगे हैं खाने के लिए। ओह ये खाना आ रहा है देखिए, बढ़िया बढ़िया। एग्जैक्टली नहीं, इज इन दिस वर्ल्ड लाइक अ सिंगल क्लासरूम। आम खा रहे हैं, लो थैंक यू। ये देखो बाट के आम की मिठास और बढ़ती है, बहुत मस्त, थैंक यू। है ना बढ़िया भी है भाई, वेट कर रही है ऊपर प्रेशर आने का। ये क्या कुछ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, हां कमेंट टू, और एड्रेस दे देंगे, आम भिजा दीजिएगा अगर और दिख जाए। आप बहुत बुरे हो, आप सबको तंग करते हो, सबको तंग करते हो आप। कितने पैसे कमा लिए, अरे बाप रे, अरे बाप रे, तो रुकी नहीं, हाथ ही नहीं रुक रहा है। ये लेंगे अब किलोंग में बहुत बड़ी जमीन, वहां बनाएंगे अपनी मॉनेस्ट्री। बहुत बढ़िया दिल, इन्होंने पूरा दिल जीता छम में। सबसे बढ़िया जो बंदे हैं ना वो ये हैं, पूरे टाइम इसी के बलबूते। ये लगी है पूरी लाइन अब भंडारे के लिए। तो क्या क्या मिला है मिस युक्ति को, क्या क्या है बताइए, दाल चावल कड़ी, जो कि कड़ी, और ये चटनी भी दिख रही है। यहीं पे लोगों की कमिटमेंट दिख जाती है हर चीज़ को लेके ना, वो भी चल रहा है वैसे रिलीजियस सेरेमनी, लेकिन जैसे ही खाने की लाइन लगी है यहाँ पे तो भीड़ एकदम आधी हो गई है। कुछ बचे हैं उसको देखने के लिए पूरे के पूरे। अब ये लोग चाहे पहले से खाए हुए हैं कि देखने के लिए एंड है वो अलग बात है, लेकिन कुछ अभी भी यहीं रुके हैं पूरा एंड तक देखने के लिए, जबकि बाकी लोग कतार में लग चुके हैं खाने के लिए। और आपने भी एंड तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।